नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube स्टडी चैनल क्विक स्टडी किंग पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे वर्ष 2021 की मई और जून महीने की करंट अफेयर को, जिसमें कई महत्वपूर्ण घटनाएं जैसे मुख्यमंत्री अनुपूर्ति कोचिंग योजना की शुरुआत, रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित करना, स्मार्ट सिटी मिशन ऑनलाइन रैंकिंग, टोक्यो ओलंपिक कोटा 2021, पहला स्वास्थ्य बैंक, इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021 और इसके अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। इसलिए वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिए ताकि एग्जाम में कोई भी प्रश्न आपसे ना छूटे। इसके अलावा दोस्तों, इस बार हम आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं क्योंकि वीडियो आने में काफ़ी समय लग गया, लेकिन विश्वास दिलाते हैं कि आगे से आपको वीडियो टाइम पर मिलते रहेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 21 जून 2021 को प्रदेश के किस अभयारण्य को चौथे टाइगर रिजर्व के तौर पर मंजूरी दी गई है? तो कौन सा अभयारण्य है ये? ऑप्शन ए, रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, चाहे नेशनल स्तर की करंट अफेयर हो चाहे राज्य स्तर की, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइए इसके बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी देख लेते हैं। ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ये काम करता है टाइगर रिजर्व घोषित करने का, तो इसने इस अभयारण्य को प्रदेश के चौथे टाइगर रिजर्व के तौर पर मंजूरी दी है। ध्यान रखना है ये देश का 52वां टाइगर रिजर्व होगा। ये नंबर ध्यान रखने हमें, दोनों एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। लोकेशन देख लेते हैं, ये है बूंदी जिले में रामगढ़ गांव के निकट, ये इसकी लोकेशन है, ध्यान रखनी है भी। और यहाँ पाए जाने वाले कुछ जीव हैं, वो हैं तेंदुआ, सांवर, जंगली सुअर, चिंकारा, स्लॉथ बियर, भारतीय भेड़िया, लकड़बग्घा, सियाल, लोमड़ी, हिरण और मगरमच्छ जैसे जीव मिलते हैं यहाँ पे। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे सांपों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा फेमस है। और ध्यान रखना है, ये जो रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य है, इसे रणथंभौर के बाघों का जच्चा घर भी कहा जाता है, तो ये फैक्ट भी ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों, मैं बता दूं कि इंडिया में जो टाइगर प्रोजेक्ट शुरू हुआ था वो 1973 में प्रारंभ हुआ था, और उसी समय जो रणथंभौर टाइगर रिजर्व है सवाई माधोपुर में, उसे भी टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। तो ये याद रखना है, 1973 में रणथंभौर टाइगर रिजर्व, इसके बाद सरिस्का टाइगर रिजर्व है वो 1978 में सरिस्का टाइगर रिजर्व, और लेटेस्ट है मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व जिसे 2013 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। तो ये ईयर भी याद रखना है कि कौन सा कब घोषित हुआ है, एग्जाम में एक आध बार पूछा जा चुका है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, 5 जून 2021 को किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री अनुपूर्ति कोचिंग योजना शुरू करने की घोषणा की गई है? तो कौन सा राज्य है? ऑप्शन बी, राजस्थान। तो आइए इसके कुछ प्रावधान देख लेते हैं। उद्देश्य है इस योजना का राज्य के गरीब छात्रों को सहायता देना, और इसमें ध्यान रखना है जो छात्र और छात्रा हैं इस योजना का लाभ केवल एक साल तक ही ले पाएंगे। इस योजना में कौन कौन शामिल होंगे? योजना में शामिल होंगे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS, जिनकी आय प्रतिवर्ष 8 लाख रुपए से कम है और माता पिता राज्य सरकार के कार्मिक के रूप में पे मैट्रिक्स लेवल 2 तक का वेतन प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा। तो ये क्राइटेरिया है, ध्यान रखना है। इसके अलावा इसमें ये प्रावधान है कि लाभार्थियों में 50% छात्राएं हो, तो ये भी ध्यान रखना है। आवास छोड़कर अन्य प्रतिष्ठित संस्थान से कोचिंग करने वाले छात्र को भोजन एवं आवास हेतु 40,000 रुपये प्रतिवर्ष अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये सारे प्रावधान इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे सकते हैं, लेटेस्ट योजना है बिल्कुल, इसलिए इसे ध्यान रखना है। इसकी लॉन्च की डेट है 5 जून 2021, तो ये ध्यान रखना है हमें। आगे चलते हैं, हाल में 16 मई 2021 को जारी स्मार्ट सिटी मिशन की ऑनलाइन रैंकिंग में राजस्थान का स्थान है, तो राजस्थान का कौन सा स्थान है इसमें? ऑप्शन बी, द्वितीय। तो ध्यान रखना है, केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय द्वारा देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची जारी की गई। इस सूची में राजस्थान है द्वितीय स्थान पर। पहले स्थान पर कौन रहा है? तो ध्यान रखना है, पहले स्थान पर रहा है झारखंड, राजस्थान की इसमें द्वितीय रैंक है। 100 स्मार्ट शहरों की सूची में प्रदेश के 4 शहर शामिल है। कौन कौन से शहर हैं? जयपुर,
कोटा, उदयपुर और अजमेर। और इस साल इनकी रैंक कुछ इस प्रकार रही है, जिसमें उदयपुर की रैंक सबसे अच्छी रही है और इसने पिछले साल के मुकाबले इस साल बहुत ज़्यादा सुधार किया है। तो ध्यान रखना है, ये रैंक भी ध्यान रखनी है, सरों की पूछी जा सकती है। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अर्जुन लाल और अरविंद सिंह जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2021 के लिए क्वालिफाई किया है, वे किस खेल से संबंधित हैं? तो वे किस खेल से संबंधित हैं? ऑप्शन ए रोइंग। ध्यान रखना है दोस्तों, ये रेसिंग बोट का एक गेम है और इसमें जो अर्जुन लाल है उनका संबंध जयपुर से है और इन दोनों ने 23 जुलाई से शुरू होने वाले टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारत के ये एकमात्र रोवर्स होंगे। आगे चलते हैं। हाल ही में प्रदेश की किस सांसद को संयुक्त राष्ट्र मामलों की ब्यूरो ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की स्थायी समिति का सदस्य मनोनीत किया गया है? तो ये कौन है? ऑप्शन ए दिया कुमारी। अगला प्रश्न है, हाल ही में टोटल जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा विकसित करने वाला देश का पहला राज्य बना है, तो ये कौन सा राज्य है? ऑप्शन सी राजस्थान। दोस्तों ध्यान रखना है कि जो जीनोम सीक्वेंसिंग होती है उसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ कि जीनोम इस बार ये क्या है, बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ था राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। कोरोना को कंट्रोल करने में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था, इसलिए मैं बता देता हूँ। जीनोम होता है किसी भी जीव का अनुवांशिक पदार्थ, जेनेटिक मटेरियल। यदि हमने किसी जीव की जीनोम की सिक्वेंसिंग कर ली और यदि वो जीव अब वर्तमान भविष्य में यदि बदलाव करता है स्वयं में, तो उसका पता हमें हम लगा सकते हैं। जैसे कोरोना का एक वेरिएंट है, यदि ये कोरोना का एक वेरिएंट है, अब यदि ये वेरिएंट अपने आप को बदलाव करके दूसरा कुछ कर ले, तो हम इसका पता लगा सकते हैं कि ये जो अब ये यदि केस बढ़ रहे हैं तो ये पुराने वाले जो वेरिएंट है उसके कारण बढ़ रहे हैं, या फिर जो बदलाव हुआ है उसके कारण ये जो महामारी फैल रही है उसके कारण, ताकि हम उसके हिसाब से अपनी तैयारी कर सकें। न्यूजीलैंड एक देश है, उसने ऐसा करके बहुत ज़्यादा इस पर कंट्रोल, जो महामारी है उस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने में सफलता प्राप्त की है। इंडिया इसमें काफ़ी पिछड़ गया था, इस कारण उसको इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। यदि जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा उसने पहले ही कर लिया होता एक काम, तो काफ़ी हद तक जो अभी नुकसान हुआ था उसको रोका जा सकता था। इसलिए इस हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है, साइंस में भी आपके इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं। देश का पहला राज्य बन गया, ध्यान रखना है राजस्थान, टोटल जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा कराने वाला। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले की ऑक्सीजन मित्र योजना को पूरे देश में लागू किया जाएगा? तो ये कौन सा जिला है? ऑप्शन सी बीकानेर। तो ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीकानेर की ऑक्सीजन मित्र योजना की कामयाबी के बाद इसे संपूर्ण देश में लागू करने के आदेश दिए हैं। बहुत ही गर्व की बात है कि राजस्थान के किसी जिले की योजना को इसमें पूरे नेशनल स्तर पर लागू करने का कोशिश की जा रही है। कोरोना काल में भीलवाड़ा मॉडल, इससे पहले भीलवाड़ा मॉडल भी बहुत चर्चा में रहा था, के बाद अब बीकानेर मॉडल प्रदेश का दूसरा मॉडल होगा जो राष्ट्रीय स्तर पर लागू होगा। तो ये फैक्ट हमें ध्यान रखने हैं। आगे चलते हैं। 31 मई 2021 को राजस्थान में रिलीज की गई फीचर फिल्म रोड टू रिफॉर्म किस विषय पर केंद्रित है? तो ये फिल्म है, ये किस विषय पर केंद्रित है? ऑप्शन बी जेलों में बंद कैदी। तो ध्यान रखना है, कैदियों के प्रति समाज का नजरिया बदलने के उद्देश्य से बनाई गई फीचर फिल्म रोड टू रिफॉर्म को मुख्यमंत्री आवास से वर्चुअली रिलीज किया गया और महानिदेशक राजीव दासौत की परिकल्पना पर आधारित है और इसके निर्देशक है संजीव शर्मा। तो ध्यान रखना है, महानिदेशक राजीव दासौत की परिकल्पना पर आधारित है और इसका जो सब्जेक्ट है वो है कैदियों के प्रति समाज का नजरिया बदलना। तो इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 19 मई 2021 को राजस्थान के किस पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हुआ है? तो किस पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हुआ है? ऑप्शन बी जगन्नाथ पहाड़िया। आइए इनके बारे में कुछ जानकारी जुटा लेते हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री है, ध्यान रखना, और बिहार और हरियाणा के ये राज्यपाल रह चुके हैं और एकमात्र दलित मुख्यमंत्री रहे राजस्थान के, ये इंपॉर्टेंट है। इनका कार्यकाल है 6 जून 1980 से
14 जुलाई 1981 यानी कि 13 माह का कार्यकाल उन्होंने पूरा किया था। अगला प्रश्न है, 22 मई 2021 को प्रदेश के किस संस्थान को इंडिया बायोडायवर्सिटी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये कौन सा संस्थान है? ऑप्शन बी, कृषि एवं पारिस्थितिकी विकास संस्थान। तो ध्यान रखना है 22 मई 2021 को ये अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है ये डेट, पूछी जा सकती है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। 22 मई को ध्यान रखना है, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है और इस अवसर पर इंडिया बायोडायवर्सिटी अवार्ड 2021 प्रदान किए गए और इसमें प्रदेश के कृषि एवं पारिस्थितिकी विकास संस्थान अलवर को जैविक संस्थानों के सतत उपयोग श्रेणी के तहत इंडिया बायोडायवर्सिटी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखना है ये अवार्ड। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश के किस व्यक्ति को इलेट्स वर्ल्ड एजुकेशन लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो किन्हें सम्मानित किया गया? ऑप्शन सी, गोविंद सिंह डोटासरा। तो ध्यान रखना है कोविड महामारी के दौरान राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में किए गए विभिन्न नवाचारों और उत्कृष्ट प्रबंधन के लिए शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को यह अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किन्हें वर्ष 2019 के लिए कपूर चंद्र कुलिस इंटरनेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो ये कौन है इस अवार्ड को पाने वाले? ऑप्शन बी, फेरगस सील। तो ध्यान रखना है राजस्थान पत्रिका समूह की ओर से ये अवार्ड दिया गया है। इसमें $11,000 पुरस्कार के रूप में दी गई है राशि और इसमें 18 और 19 के विजेताओं की घोषणा की गई है, जिसमें 18 के विजेता हैं अभिषेक गौतम और 19 के विजेता हैं फेरगस सील। तो ये दोनों ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न है, 25 जून 2021 को प्रदेश में कोरोना महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों की समुचित परवरिश के लिए किस योजना की शुरुआत की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो किस योजना की शुरुआत की गई? ऑप्शन सी, कोरोना बाल कल्याण योजना। आइए इसे कुछ प्रावधान देख लेते हैं। इसके प्रावधान है, अनाथ बालक बालिकाओं हेतु ₹1,00,000 का अनुदान, 18 वर्ष तक प्रति माह ₹2,500 की सहायता राशि, 18 वर्ष पूर्ण होने पर ₹5,00,000 की सहायता और 12वीं तक की निःशुल्क शिक्षा। तो ध्यान रखना है ये सारे प्रावधान ध्यान रखने, एग्जाम में पूछे सकते हैं लेटेस्ट योजनाएं। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश का पहला हेरिटेज टर्मिनल कहाँ बना है? तो ये कहाँ बनाया गया है, कौन से एयरपोर्ट पर बनाया गया है? तो ध्यान रखना है ऑप्शन सी, जयपुर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली सारा छिपा का संबंध प्रदेश के किस जिले से है? तो इनका संबंध प्रदेश के किस जिले से है? ऑप्शन ए, भीलवाड़ा। तो ध्यान रखना है प्रदेश के भीलवाड़ा जिले की 10 वर्षीय सारा छिपा ने 196 देशों के नाम, उनकी राजधानी और करेंसी याद करने के साथ इसे बोलकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज कराया है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में आ सकता है। 7 मई 2021 को देश का पहला स्वास्थ्य बैंक प्रदेश के किस जिले में खोला गया है? तो प्रदेश के किस जिले में खोला गया है? ऑप्शन सी, जोधपुर। तो ध्यान रखना है अभी बहुत ज़्यादा किल्लत हो गई थी महामारी के दौरान ऑक्सीजन की, तो उसको देखते हुए प्रदेश के जोधपुर जिले में देश के पहले, ध्यान रखना है देश का पहला स्वास्थ्य बैंक का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा किस बीमारी को महामारी अधिनियम में शामिल कर लिया गया है? तो ये कौन सी बीमारी है? ऑप्शन ए, म्यूकर माइकोसिस। तो ध्यान रखना है राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के तहत म्यूकर माइकोसिस को, मतलब यानी ब्लैक फंगस, इसका जो फेमस नाम है वो है ब्लैक फंगस को, संपूर्ण राज्य में महामारी और अधिसूचनीय रोग अधिसूचित किया गया है। ध्यान रखना है ये जो बीमारी है ये कई सही किसी भाग में हो सकती है, लेकिन मेनली ये जो अपने लंग्स हैं उनको प्रभावित करती है और उसके बाद ये दिमाग में जाकर भी, दिमाग में इन्फेक्शन करके भी कोमा या व्यक्ति की मृत्यु का कारण बन सकती है। तो ध्यान रखना है, और बेसिस का इसका कोरोना बीमारी से कोई खास संबंध नहीं है,
कि कोरोना वाले व्यक्ति को ही होगा, नॉन जो कोरोना पेशेंट है उनमें भी ये देखा गया है, लेकिन कोरोना के बाद क्या इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है और उसके बाद ये जो इन्फेक्शन है वो आसानी से उसको उसमें हो जाता है। इसलिए कोरोना वाले पेशेंटों में ज़्यादा देखा गया, लेकिन कोरोना बीमारी से इसका कोई अनिवार्य संबंध नहीं है। आगे चलते हैं। हाल ही में राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं, जो राज्य स्तर की संस्थाएं हैं उनके जो अध्यक्ष हैं वो इम्पोर्टेंट है, आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इससे पहले मैंने एक एग्जाम देखी थी उसमें जेल महानिदेशक को पूछ लिया गया था, तो इस प्रकार के प्रश्न जो एग्जाम हैं उनमें आ सकते हैं, तो उनको ध्यान रखना है। तो कौन है ये? ऑप्शन ए बी एन शर्मा। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों की सुरक्षा हेतु ट्रांसजेंडर सुरक्षा प्रकोष्ठ सेल का गठन किया गया है? तो ये कौन सा राज्य है? ऑप्शन ए राजस्थान। हाल ही में पीएम कुसुम कंपोनेंट ईए योजना के अंतर्गत राजस्थान के दूसरे सौर ऊर्जा संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया? तो ये किस जिले में स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए चुरू। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार ने प्रदेश के मरुस्थलीय क्षेत्रों की किस पैदावार की क्रय कर में छूट देने का निर्णय लिया गया है? तो ये कौन सी फसल है? ऑप्शन सी सोनामुखी। ध्यान रखना दोस्तों ये इंपॉर्टेंट फसल है, क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, क्योंकि इंडिया सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन करता है, सबसे ज़्यादा निर्यात करता है, और इसकी ये हर्बल एक हर्बल प्लांट है, इसके कई तरह के चिकित्सकीय फायदे हैं और ये चिकित्सा के क्षेत्र में कई जगह कई प्रकार की इसके उपयोग हैं। तो ध्यान रखना है, राज्य सरकार ने प्रदेश के मरुस्थलीय क्षेत्रों में सोनामुखी की पैदावार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसकी उपज को भारत से बाहर निर्यात करने के लिए खरीद पर क्रय कर में छूट देने और निर्यातकों पर पूर्व में लगाया गया जुर्माना और ब्याज राशि माफ करने का निर्णय लिया गया है। तो ये फसल इंपोर्टेंट है। हाल ही में प्रदेश के किन प्रोजेक्ट्स को आईएमसी डिजिटल टेक्नोलॉजी आईटी अवार्ड 2020 से प्रदान किए गए हैं? तो ये कौन से हैं? ऑप्शन डी ए और बी दोनों, यानी कि राजा मास्टर्स प्रोजेक्ट और दस्तावेज सत्यापन और प्रमाणीकरण इंजन प्रोजेक्ट, तो ये दोनों ही हैं इसमें ए और बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में 30 मई 2021 को एमआईयू उत्कृष्ट सेवा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन बी डॉक्टर चेतन प्रज्ञा। अगला प्रश्न है, हाल ही में 5 मई 2021 को प्रदेश के किस व्यक्ति को लंदन के वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की ओर से सम्मानित किया गया? तो ये कौन व्यक्ति हैं? ऑप्शन बी अनुला मौर्य। अगला प्रश्न है, बाल संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु किन पुरस्कारों की शुरुआत की गई? तो किन पुरस्कारों की शुरुआत की गई है? ऑप्शन ए नेहरू पुरस्कार। हाल ही में राजस्थान राज्य आवासन मंडल के अध्यक्ष का पद संभाला है, तो ये किन्होंने संभाला है? इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ऑप्शन ए शांति धारीवाल। हाल ही में राजस्थान के किस विभाग द्वारा ज्ञानदूत कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो किस विभाग द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन ए कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय। अगला प्रश्न है, जल जीवन मिशन के लिए केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान को 2020-21 के लिए कितनी राशि आवंटित की गई? तो ये कितनी राशि आवंटित की गई है? ऑप्शन बी 10,181 करोड़। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपका वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसी तरह के अन्य तरह की वीडियो के आपको अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।